ये नांगिन होके चुड़ैल वाला गाना क्यों गा रही है? जाके पूछ लेना, मेरा मतलब है बुबू। अरे ये कहाँ चली गई? चलिए चलिए जाके देखते हैं हम। चलो चलो। तुझे क्या हो गया आज? तेरे हाथ घोड़े की तरह मेरे सीने पे सरपट क्यों दौड़े चले जा रहे? करू करू। ओहो क्या है, क्यों चिचिया रहे हो? सो जाओ ना। अरे तू सोने देगी तब सोएंगे ना। मैंने क्या किया? अरे तूने नहीं किया लेकिन तेरे हाथ तो कर रहे। दिमाग खराब हो गया? मेरे हाथ में क्या किया? अरे तेरे हाथ मेरे सीने पर घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। जीजा जी, शराफत से दरवाजा खोल दीजिए ना जीजा जी। नहीं हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमने आपका क्या बिगाड़ा इलायची जी? अब हमें क्यों परेशान करिए? हम कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर पैक करके निकल जाएंगे इलायची जी, प्लीज। खबरदार खबरदार किस घर से आपने अपना एक कदम भी बाहर रखा तो मैं आपको ऐसा डसूंगी कि पानी भी नहीं मांग पाएंगे जीजा जी। लेकिन हमने किया क्या? हम घर में रहे तो मुसीबत, बाहर जाए तो मुसीबत, आप चाहती क्या है लाइजी जी, प्लीज। फिलहाल तो मैं यही चाहती हूँ कि आप शराफत से दरवाजा खोल दें। खोलिए दरवाजा। नहीं आप डस लेंगी हमें। जीजा जी तीन तक, सिर्फ तीन तक गिनूंगी मैं, अगर तब तक दरवाजा नहीं खोला तो ऐसी फुफकार मारूंगी कि पूरा दरवाजा भस्म हो जाएगा। खोल देते हैं चलो। समझ में आ रहा है ना जीजा जी? तीन दो। जनक देवता, जनक देवता, जनक देवता, जनक देवता, जनक देवता। आप लोग मुझसे यूं डरिए मत। वो क्या है ना, जब एक इंसान मुझसे डरता है ना तो उनके शरीर में एक ऐसा लिक्विड पैदा होता है जो हम नागिनों को बहुत आकर्षित करता है और दिल चाहता है कि उन्हें डस ले। तो कहीं आप डर तो नहीं रहे ना? नहीं हम कहाँ डर रहे हैं है ना? बल्कि हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस रूप में देख के। और हाँ, मुझे कोई भूल से भी, गलती से भी नागलेक्ट नेगलेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना आप चीचा ची? नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और हाँ, सब मेरी बात हमेशा मानेंगे। हाँ हाँ इलो, देखो ना जीजा जी कह तो रहे हैं सब बातें मानेंगे तुम्हारी, है ना जीजा जी? तो फिर ठीक है, एक ना प्यारा सा नागिन वाला गाना हो जाए फिर, चलो शुरू हो जाओ। हाँ हाँ जीजा जी सुना दीजिए ना। सुना दीजिए सुना दीजिए। इलू सेल्फी। वाह छोटे, तेरे हाथ इतने मुलायम हैं कि आनंद आ जाता है।
क्या बात है छोटे। अरे छोटे लाला, अरे क्या कर रही है वे? अरे सेठ जी, भाई सेठ जी, राम राम। नमस्कार भाई साहब, क्या चल रहा है भाई? चल रहा है, देख रहे ना। और मौसा, अचानक कैसे टहल लिए? अबे वो है ना अपने सीमेंट वालों के आया था मैं। कौन, रामकिशन गुप्ता की बात कर रही का? हाँ यार, उनकी लुगाई ने उन्हें काट खाया यार। क्या, लुगाई ने काट लिया? अरे उनको मैंने पहले भी समझाई थी, उनकी लुगाई के ग्रह में नाग नागिन का योग चल रहा था। उनको समझाया, चेताया इतनी बार, समझाने के बाद भी ना माने, चले गए लुगाई के पास, डस लिया लुगाई ने। तो क्या टह बोल गए? अरे टह तो नहीं बोले, लेकिन हम टाइम से पहुंच गए। अरे सुबेरे से माथा पच्ची करके, जादू टोना करके, कैसे तैसे करके जहर उठाए। अच्छा जी, सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम भी पता कर लो, कल सेठानी पे भी तो नागिन का साया नहीं है। अरे हाँ सही कह रहा तू। भाई साहब हमारे बारे में कुछ बताइए। अरे तुम्हारी लुगाई की कोई फोटो वोटो है? क्या कहते हैं, मोबाइल वोबाइल में होगी, देख दिखाओ जरा। अरे कहा भाई साहब, वो फोटो में आती कहाँ है? फोटो खींचो तो कभी इधर निकल जाती है आधी, कभी आधी इधर निकल जाती है। मौसा सेठ जी का मतलब ये हो रहा है कि सेठानी थोड़ा गोल मटोल है, कैमरे में आती है एक साथ। अरे सेठ जी, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताई थी। क्या? कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र में लिखा है कि तुम्हारे घर में नाग और नागिन का योग है। घर में मतलब हमारी बीबी जो है वो? दावे से तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बात तय है कि तुम्हारे घर में नागिन का योग जरूर है। धन्यवाद। खट्टा ज्यादा कर दो ना भैया। इलायची जी, गोलगप्पे आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं? आप लोगों में छोटे से क्या मतलब है आपका? मतलब कि गोलगप्पे तो इंसान लोग खाते हैं ना। भाभी बुरा मत मानना, जैसे इंसानों में अय्याश लोग नहीं होते हैं, वैसे हमारी नागिनें भी अय्याश होती हैं। जीजा जी, जरा ये गोलगप्पा हमें खिला दीजिए ना। भाभी। हाँ जी। आप ही मुझे खिलाओ ना। क्यों ना, अभी खिलाती हूँ मेरी बच्ची। अरे वो कैटरीना, कटरीना। अरे ओ भाई साहब, भाई साहब, कटरीना यहाँ नहीं मिलती, वो मुंबई में है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम वो कटरीना नहीं ढूंढ रहे भाई, दरअसल हमारी नागिन का नाम है कटरीना, लेकिन वो लहंगे के दुकान से पता नहीं कहाँ भिला गई। ये देखिए देखिए, मिल ही नहीं रही है तभी से। हमको तो लगता है ऐसे नहीं मिलेगी, बिन बजानी ही पड़ेगी। क्यों रे लच्चो, तू तो इधर का रास्ता ही भूल गई है, हाँ? वरना शकरपुर है ही कितना दूर यहाँ से। अच्छा ये बात तू बोल रही है, ऐसा लगता है जैसे तू मेरे घर का हर रोज चक्कर लगा के जाती है। हाँ नहीं तो। अरे नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इलायची के पापा है ना, वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। अच्छा तो इसका मतलब ये कि जीजा जी तुझे आज भी छोड़ते नहीं है, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आलसी है इलायची के पापा, मेरे बिना एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पीते है। पता नहीं ये गले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंस गया है। तेरे गले में कहीं बाल वाल तो नहीं फंसा ना? पता नहीं, शायद हो सकता है। मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, एक कटोरी में दूध ले और चाकू से उसे 2-3 बार काट ले, ठीक है? और उस दूध को ना जैसे नागिन दूध पीती है जीभ निकल के, ऐसे तू पी जा, देखना तेरे गले में जो बाल फंसा हुआ है ना वो झट करके निकल जाएगा। ये सब ना बड़े बुजुर्गों का आजमाया हुआ टोटका है। देखना इनका फोन आ रहा है, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? याद करके पी लेना। हाँ हाँ, नहीं तो। अरे उनको मैंने पहले भी समझाई थी, उनकी लुगाई के ग्रह में नाग नागिन का योग चल रहा था, उनकी लुगाई ने उन्हें काट खाया यार। इसका मतलब छोटे के मौसा ने जो कहा वो सच है, ये करूं नागिन है नागिन। हे भगवान, इसका मतलब मैं इतने सालों से एक नागिन के साथ रह रहा था। अरे अच्छा हुआ उसने मुझे डसा नहीं,
अल्लाह मैं तो कब का टैम बोल लिया होता। अरे तूने मेरे साथ ऐसी नागिन को क्यों पल्ले बांध दिया? और एक साधारण नागिन नहीं है वो, एनाकोंडी है एनाकोंडी, पता नहीं कब निकल ले। सेठ जी सब सब क्या 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 सेठ जी आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है? नाना को जा काम कर दू अपना। सेठ जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोल। इच्छाधारी नागिन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? इच्छाधारी नागिन पे क्या तुझे फिल्म बनानी है? फिल्म बनाने जा रहे हैं क्या उस पे? सेठ जी हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, आपने कभी इच्छाधारी नागिन देखी है? अरे तेरा दिमाग फिर गया क्या? इच्छाधारी नागिन देखी है? ऐसे में तो कोई सवाल मत करियो मुझसे तू। मैं ऐसे ही पूछ रहा था सेठ जी। अरे क्यों पूछ रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसे सवाल करने की? सवाल करने तो अपने धंधे से संबंधित कर सवाल मुझसे, और खबरदार जो ऐसे बेतुके सवाल किए मुझसे तो। पापा। अरे आजा मेरी बच्ची, आजा 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 आजा। पापा। हाँ बेटा। वो आगे वाले चौक पे जो मामू बुक स्टॉल वाले ना, वहां से मुझे 2-3 कोश की बुक खरीदनी है। हाँ तो लिया, मैंने तुझे कोई पकड़ रखा है क्या? अरे ऐसे कैसे अकेले चली जाऊं? मतलब वहां पे ना 2-4 लड़के होते हैं ना, वो आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं, और मुझे नहीं छेड़ना, मुझे ना बड़ा डर सा लगता है। अच्छा दूसरे इलाके में जाके तो बड़े आराम से फिल्म देख आती है तू, अब तुझे अपने इलाके के चौराहे पे जाने में डर लग रहा है। हेलो हेलो, अरे बोल ले हाँ कुल, आवाज ना आ रही? एक मिनट रुक जा। हाँ सुन, अरे सुन हरिराम। अरे यार क्या है ये, क्या कर रहे हैं यार? हाँ हाँ बोल। चीचा जी, बिल वाले नागिनिया ले जाएंगे। ये बड़ी रोमांटिक सी मूवी लगी है, हम चलेंगे ना मेरे साथ? हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अरे कल कल डिस्पैच कर दो ना माल को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ पैसे, अरे पैसे की बात करो, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है सुन, दरियागंज से माल आ रहा है कल, उतर वाली हो तू? जी हाँ। अरे यार पापा, कैसे पापा हो आप? मतलब इतनी प्यारी जवान सुशील सुंदर लड़की अकेले जाएगी, लड़के छेड़ेंगे, आपको शोभा देता ही है? तो क्या करूं, कमांडो लगवा दूं तेरे सुरक्षा के लिए, बॉडीगार्ड? देखिए कमांडो की जरूरत नहीं है, एक ही कमांडो काफी है। जीजा जी है ना, वो मेरे साथ चल सकते हैं? अरे ऐसे मैंने अपनी दुकान पे काम करने के लिए रखा है, तू कह रही मेरे साथ चल सकते हैं? अरे कैसे बाप हो तुम? जब लड़की पंचम को अपने साथ ले जाना चाह रही तो क्यों नहीं ले जाने दे रहे हो? कम से कम लड़की सुरक्षित तो रहेगी ना। जा 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 जा। सेठ जी काम है। अरे जा मैं देख लूंगा, तू जा। सेठ जी अरे मैं देख लूंगा, अरे तू जा ना, जा 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 जल्दी जा 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 भाई जा। कैसा महसूस कर रही हो? ठीक महसूस कर रही हूँ। चूहे हुए लाऊं क्या? क्या कहा? नहीं मेरा मतलब है घर में बहुत चूहे हो गए ना। हाँ चूहे तो बहुत हो गए। अरे तुम वो लाओ ना, वो चूहे पकड़ने की मशीन। तू है फिर मशीन की क्या जरूरत है? क्या कहा? नहीं मैं ले आऊंगा, मैं कह रहा हूँ ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा। चूहों को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ तेरी चूहों से तो जाती दुश्मनी है। अरे तुम ये क्या मुंह में बड़बड़ाए जा रहे हो? ना ना अब कुछ ना, मुझे ठंड लग रही है ना इसलिए। सुनो ना, वो मोती सिनेमा है ना, वहां पे फिल्म लगी है बिल वाले नागिनिया ले जाएंगे, तो उसकी 2 टिकट मंगवा ली है मैंने, हम दोनों चल रहे हैं। चलो
जाना ही पड़ेगा वरना दस का चालीस दस का चालीस दस पॉपकॉर्न फिल्म के चक्कर में दुकान और बंद करनी पड़ गई। अरे एक दिन दुकान बंद रह जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी? थोड़े मजे भी ले लिया करो। जब देखो तब लहंगो में उलझे रहते हो। और देखो 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 नागिन आई। अबे साले कुत्ते, अबे आ यकीन मत कर। अबे सुन, भाई सेठ जी और आंटी जी पीछे बैठे हुए हैं, भाई मर गए, गए साले गए। अबे देख क्या रहा है, नीचे चुप बेटा, तू निकल यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा। मैं पक्का, चल मैं कोशिश करता हूँ। इलायची जी, इलायची जी मेरी माँ। अरे यार जी, डिस्टर्ब मत करो, इतना इम्पोर्टेंट सीन है, पता है? पापा, अरे सुनिए तो, कहाँ हो यार? अच्छा, अरे तुम तो वही सपेरा हो, तुम क्यों फिल्म देखने आ गए? तो सपेरा फिल्म नहीं देख सकते का? और वैसे भी इस फिल्म में मेरी कैटरीना ने भी काम किया है। कैटरीना? हाँ, कैटरीना कब से तुम्हारी हो गई? अरे भैया वो मेरी मेरी नागिन का नाम है कैटरीना। हाँ वो देखिए मेरी कैटरीना। अरे यार अंकल पिक्चर देखने दो फिर। फिर फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।